अगर आपके शिपमेंट को इंडिया पोस्ट में अटकी है अगर सो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, मैं आपको सारे टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, नोटिफिकेशंस में नहीं घुसूंगा, मैं मोटा मोटा आपको ज़रूर बताऊंगा जिससे कि आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप बिना ड्यूटी पे किए आप इजीली इंपोर्ट करेंगे और सबसे पहले इंपोर्ट करके सबसे पहला रिव्यू देंगे। सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहां हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और ग्लोबल ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, आप कैसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम चाइना, फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम इटली, जो आइटम चाहे वो इंपोर्ट करना कंप्लायंस के अंडर रह के जो आइटम चाहे वो नहीं कंप्लायंस के अंडर रह के जो चाहे वो इंपोर्ट करना, मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, ओवर बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जिससे कि आप इजीली ड्यूटी बिना किसी ड्यूटी के आप गुड्स को अपने ओवरसीज से इंपोर्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, आप कौन से प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री ला सकते हैं जिसमें कि आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी देनी ना पड़े या देनी पड़े तो मिनिमम ड्यूटी देनी पड़े। सो मैं वीडियो के पहले पार्ट में ये डिस्कस करूंगा कि अगर इन केस आपका ऑलरेडी अटका हुआ है या आप अटकता है, अगर आप फ्यूचर में कुछ इंपोर्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सो डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है अगर इन केस वो कस्टम अटक जाता है तो दो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है रेमिटेंस प्रूफ बोले तो आपने ओवरसीज में जो पेमेंट किया चाहे वो आपने पेपैल से की हो, चाहे क्रेडिट कार्ड से की हो, या चाहे किसी ऑनलाइन पोर्टल से की हो, उसका जो इनवॉइस जनरेट होता है वो आप जरूर संभाल के रखना क्योंकि वो रेमिटेंस प्रूफ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैल्यूएशन के लिए। सेकंड है आपका इनवॉइस, जो ओवरसीज से इनवॉइस लग के आ रही है, और रेमिटेंस और इनवॉइस हमेशा मैच करना चाहिए, आप अंडर वैल्यू मत करना, $4-$10 का अंडर वैल्यूएशन चलता है बहुत महंगी चीज़ों को, कहीं फ़ोन को आप 10-20,000-30,000 रुपये का फोन है आप 10,000 रुपये डिक्लेयर करके लेके आओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं बता दूँ उस केस में आपको पेनल्टी भी लग सकती है, 100% की ड्यूटी भी लग सकती है। सो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, वैल्यूएशन का ध्यान रखना, अंडर वैल्यू मत करना, रिस्ट्रिक्टेड आइटम को इंपोर्ट मत करना। रिस्ट्रिक्टेड आइटम मैं आपको आगे वीडियो के आगे पार्ट में बताऊंगा तो लास्ट तक जरूर देखना। अभी आपकी आइटम अटक गई, आपने रेमिटेंस प्रूफ भी दिखा दिया और आपने ओवरसीज़ की इनवॉइस तो उसमें लग के आती है और जो आपके पास कॉपी आई होगी आपने वो भी दिखा दिया, और इनकेस वो मैच भी करता है तो वैल्यूएशन कस्टम कैसे निकालता है? जो कस्टम में इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट बैठा होता है वो इतना बेवकूफ़ नहीं होता, वो रोज़ की 100 कंसाइनमेंट 150 कंसाइनमेंटें करता है तो उसको पता है कि कौन सी चीज़ों की वैल्यू इंडिया में क्या है। तो वो सबसे पहले ये करेगा, देखिए अंडर वैल्यू मत करना क्योंकि अंडर वैल्यू में दिक्कत होगी, मैं बता रहा हूँ, इनकेस आपकी शिपमेंट अटक जाती है तो अंडर वैल्यू में दिक्कत आएगी। $5-$10 का चलता है क्योंकि फ्लक्चुएशन चलती रहती है रेगुलर बेसिस पर, बहुत ज़्यादा मत करना, $200-$300 का अंडर वैल्यूएशन मत कर देना। हाँ भाई, आपको अब बुला लिया, आपकी शिपमेंट अटक गई तो सबसे पहले आपको ये मांगेगा, और अगर आपने अंडर वैल्यूएशन किया है तो वो आपके सामने आपकी वेबसाइट को खोलेगा, जो कि मेरे साथ हुआ है, मैं गया था वहाँ, मेरे सामने उसने खोला था, आपके सामने वो खोलेगा और वहाँ पे चेक कराएगा कि देख भाई ये सामान इतने का है तो आप तूने इतने का कैसे इंपोर्ट कराया, तो वहाँ आप फंस जाओगे। तो भाई अंडर वैल्यूएशन कर रहे हो तो ध्यान से करना, आइटम को टॉय बोल के मत लेके आना क्योंकि एक्सरे मशीन में सारा आ जाता है, अगर पकड़ किस्मत खराब हुई तो एक्सरे मशीन से उठा लेंगे वो लोग। सो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर इनके सटक जाता है तो वो मांगेगा क्या क्या, और अंडर वैल्यूएशन तो मत करना महंगी चीज़ों में, मेरा तो यही एडवाइस रहेगा। अब मैं ये बताता हूँ कि वो इंडिया पोस्ट में पहुँचती कैसे, कुछ इंडिया पोस्ट में जाती है, कुछ आपका दिल्ली एयरपोर्ट, मैं दिल्ली की बात डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, कुछ दिल्ली के वहाँ से कस्टम से निकल जाती है। तो ये होता है ऐसे कि भाई अगर आप फ्री, जो आपका ऑप्शन होता है ना वहाँ पे, दो ऑप्शन आता है कि जब आप ऑर्डर करते हैं ओवरसीज से, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल वाला मत लेना, नॉर्मल वाला जनरली इंडिया पोस्ट में ही आता है। एक्सप्रेस में आपका जो उन लोगों का कोई नॉमिनेटेड होता है तो होता है, और कभी कभार अगर DHL या FedEx का ऑप्शन आता है तो आप DHL या FedEx ही लेना, मैं तो कहूँगा कि FedEx लेना क्योंकि DHL की भी थोड़ी सी कंप्लाइंस ज़्यादा होती है। FedEx में क्या होता है कि वो लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि उनके जब कुरियर बिल फाइल होता है तो बहुत सारी आइटम होती है, उसमें ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारी आइटम एक साथ होती है तो जल्दी से इंस्पेक्टर की नज़र में आता नहीं है। तो FedEx के थ्रू या DHL के थ्रू आप कोशिश करिए, और इनके साथ एक फ्री एक्सप्रेस जो नॉर्मल वाला है उसके थ्रू मंगवा भी रहे और आपके इंडिया पोस्ट में अटकती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रैक करते रहना, और जहाँ दिख गई है आपको कि भाई इंडिया पोस्ट में दिखा रहा है और आपको कोई अपडेट नहीं आ रहा तो मतलब समझ लेना कि आपका डब्बा साइड में फेंका हुआ है कहीं पे, और वो 1-1.5 महीने बाद उनका कभी मूड होगा तो वो आपको बता देंगे। एक लेटर आता है आपके घर पे जनरली जब वो अटकता है, वो लेटर आते आते 1-1.5 महीना लग जाता है, तो लेटर का वेट मत करना, और कॉल तो कतई मत करना क्योंकि वहाँ कॉल उठाने वाला कोई नहीं है, मैंने 100-2000 कॉल किए थे, क्लियरेंस करवाता हूँ दिल्ली IGI में, तो मैं खुद गया था यार अपना एयरपोर्ट की शिपमेंट छोड़ के एक छोटा सा कुरियर का डब्बा क्लियर कराने के लिए, हमारे क्लाइंट का ही था, उन्होंने एक छोटा सा उनका कुछ था तो उन्होंने इंडिया पोस्ट के थ्रू मंगवा लिया था और वहाँ अटक गया था, तो वो मैंने जाके क्लियर कराया था, थोड़ा भसूड़ी वाला आइटम था बट करा दिया था मैंने, जैसे बताता हूँ मैं हमेशा भाई कस्टम्स में निकलने को हाथी पे निकल जाता, अटकने को सुई अटक जाती है, तो बातचीत के ऊपर है, उसके अफसर के मूड के ऊपर है कि भाई वो क्या चाहता है नहीं चाहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप एक्सप्रेस वाला जो आपका डिलीवरी ऑप्शन होता है आप उसी को चूज़ करना, फ्री वाले को मत करना,
1000-2000 रुपये बचाने के चक्कर में हमकी इंडिया पोस्ट में जाएगी और बहुत लंबी अटकेगी। अगर इंडिया पोस्ट में वो जाता है तो 2-3 महीने तो कहीं नहीं गए। सो मैंने बता दिया आपको कि भाई खरीदते टाइम को आपको फेडेक्स या जो भी उनका एक्सप्रेस वाला होता है, फास्ट वाला, उसको चुनना है। और इनकेस आपका कंसाइनमेंट अटक जाता है इंडिया पोस्ट में तो भी डरने की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा यार अगर कोशिश करना आपके अगर एक्सेसिबल है तो आप वहाँ पहुँच जाओ जो भी आपका मेन है, जैसे कि यहाँ पे तो जनरली कोलकाता में है, मुंबई में और दिल्ली में है। मैंने दिल्ली की 2-3 अपने इंडिया पोस्ट की क्लियर करी थी अपने क्लाइंट्स के लिए। सो आप कोशिश करना कि वहाँ चले जाओ, और अगर नहीं जा पा रहे तो यार लेटर का वेट करो, और क्या कर सकते हैं। ईमेल ईमेल का रिप्लाई तो लोग करते नहीं, कॉल कोई उठाता नहीं है। सो 1.5-2 महीने का प्रोसेस हो जाएगा, लेटर आएगा। लेटर में वो थोड़ा सा यू नो अगर आपने कुछ उल्टा सीधा है तो वो दुनिया भर की आपको नोटिफिकेशन Warrant officer, Chief Janab, non-commissioned officer, Chief Janab, or any other person of equivalent rank of the armed forces may in a disturbed area if he's of the opinion that it's necessary to do so for the maintenance of public order and after having given due warning as he may consider necessary, fire. तो उसमें डरने की कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली अपना रिप्लाई कर देना और बोल देना कि ये है, निकल जाते हैं जनरली, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो होता नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको कि भाई कौन सी चीज़ें जो हैं आप बिना हैसल के ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो भाई जो बात आती है ये आती है कि भाई अगर 2000 रुपये से नीचे का आइटम है इंडियन वैल्यू के हिसाब से, एनआर के हिसाब से, तो वो बिना कस्टम ड्यूटी के निकलता है 2000 रुपये से। और जितनी पर्सनल यूज़ के लिए आइटमें आती हैं वो जाती है एचएसएन कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड 9803 में। वहाँ पे दो आता है, एक ड्रग का ऑप्शन आता है, एक अदर का आता है, तो उसमें चला जाता है आपका पर्सनल आइटम का जो भी है। उसमें अगर आपके आइटम 2000 रुपये से ऊपर की चीज़ है तो उसमें जाता है भाई आपका 43.36% की ड्यूटी। और अगर आपका पर्सनल आइटम आपने इंपोर्ट किया, और कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा गिफ्ट भी भेजता है आपको बाहर से, जिसके लिए आपको कोई ओवरसीज़ में पेमेंट नहीं की, गिफ्ट जेन्युइन गिफ्ट होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने किसी और तरीके से उसको पैसे भेज दिए और उसको बोल दिया कि भाई एज अ गिफ्ट लिख के डिक्लेरेशन लिख के भेज दिए उसको डब्बे के ऊपर चिपका के। ऐसा मत करना कि ऐसा कर दिया तो आपकी आइटम तो अटकेगी, आपको पेनल्टी अलग पड़ेगी। तो अगर आपका आइटम 2000 रुपये से ऊपर का है तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी 43.36%। और अगर गिफ्ट है 5000 रुपये तक का है तो उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगती, 5000 रुपये से ऊपर है तो उसमें भी सेम 43.36% की ड्यूटी होती है। और डरने वाली कोई बात नहीं है। और एक चीज़ और है, जो भी आप आइटम इम्पोर्ट कर रहे हैं या जो भी गिफ्ट आपको भेजा जा रहा है वो प्रोहिबिटेड आइटम नहीं होना चाहिए, जैसे कि ड्रोन नहीं होना चाहिए, आपका कोई 55-56 इंच का LED TV नहीं होना चाहिए, क्योंकि LED इन सब चीज़ों पे ड्रोन तो कम्प्लीटली बैंड है। LED पे वो लगता है आपका क्या कहते हैं BIS वगैरह लगता है, कोई ड्रोन का रिमोट वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें, WPC लगता है। सो इन चीज़ों को अवॉइड करना। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सो मैं आपको छोटा सा ग्लांस दे देता हूँ कि यार कौन कौन सी चीज़ें आप पर्सनल यूज़ के लिए भी नहीं इम्पोर्ट कर सकते, कौन कौन सी चीज़ प्रोहिबिटेड है, कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते कम्प्लीटली 9803 में। मोटर व्हीकल्स नहीं कर सकते, अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं कर सकते, टबाको वाली चीज़ें नहीं कर सकते जिसके अंदर भी टबाको कंटेन है। ये सुपारी, ये पान मसाला, ये गुटखा, ये जर्दा शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है। अगर आप कोई पैसेंजर क्रू वगैरह हैं और आपके पास कोई लाइसेंस है किसी तरह का, तब भी आप नहीं कर सकते उसको इम्पोर्ट विदाउट IC कोड। आर्टिकल इम्पोर्टेड जो चीज़ें कस्टम क्लियरेंस परमिट चाहिए होती हैं उसको भी नहीं कर सकते आप लोग। प्रिंटेड बुक्स को तो आप कदाई नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ें थी जिसको आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते आपके पास, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए हो चाहे कमर्शियल यूज़ के लिए। और भाई 5-6 चीज़ें सस्ती भी होंगी ना तो 5-6 चीज़ें मत कर देना, वो कमर्शियल यूज़ में जाती है। आपको प्रूफ करना होता है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी आपको ड्यूटी फ्री आपको 10% बेसिक ड्यूटी मिलती है, वरना तो 100% की ड्यूटी लगती है उस पर। तो इन चीज़ों का भाई ध्यान रखना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो अलग दूसरे टेक रिव्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कर देना, उनको काम आएगा। और मेरा नाम है दीपांकर, मैं यहाँ कस्टम ब्रोकर हूँ दिल्ली में। और इन केस आपकी कोई शिपमेंट ऐसी भयंकर तरीके से अटक गई है जो कि भाई निकल ही नहीं रही, तो मैं नीचे अपनी पर्सनल वाली ईमेल आईडी डाल दूंगा। बहुत ज़रूरत होगी तो आप मेरे को मेल कर देना, नहीं तो कमेंट में लिख देना जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि फ़ोन तो मेरे पास ही रहता है, ज़्यादातर मैं बाहर रहता हूँ। तो भाई मेरा नाम दीपांकर, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दूसरे टेक रिव्यूअर्स के साथ भी यार शेयर कर देना, उनको काम आएगा इतने सारे। यार सबसे पहले आप लोग इंपोर्ट करो रिव्यू करने के लिए, रिव्यू यूनिट करो, और अपना क्या कहते हैं वीडियो बनाओ बढ़िया वाले और डालो यार रिव्यूज़। मैं भी लाइक कर दिया करूँगा, मैं भी थोड़ा टेक्निकल बंदा हूँ तो मेरे को भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, माय नेम इज़ दीपांकर।